वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त नीता मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स पड़ गए हैं हमारी स्किन बहुत ज्यादा लूज हो गई है आंखों के आसपास बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स है पफिनेस है रिंकल्स है तो इसके लिए हमें बहुत ही ईजी वाला सोल्यूशन बताइए जो कि हम घर पर आराम से कर सकें बहुत ज़्यादा चीज़ें जिसमें यूज ना हो तो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर एक ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा स्किन के रूटीन शेयर करने वाली हूँ जिसको कि यूज़ करके आप पा सकते हैं अमेजिंग स्किन और इन सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं और स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाएगी और ये चीजें आपके घर में अवेलेबल है सिर्फ दो चीजों से ही मैं आपके साथ ये चीजें शेयर करने वाली हूँ सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगी ये है ग्रीन टी का मास्क जो कि आप हफ्ते में एक से दो बार यूज करके बहुत अच्छी स्किन पा सकते हैं ग्रीन टी में होता है एंटी जो कि आपके चेहरे की डलनेस को दूर करता है रिंकल्स को दूर करता है साथ ही साथ डार्क स्पॉट्स को भी दूर करें और दूसरे नंबर पे शेयर करूंगी आपके साथ एक बहुत ही अच्छे वाला सीरम जिसको कि आप डे में नाइट में जब चाहे यूज कर सकते हैं यह है ग्रीन टी का सीरम जो दोस्तों हमें सीरम अपनी स्किन के ऊपर जरूर यूज करना चाहिए चाहे आपकी स्किन ऑयली है बट आपको हमेशा अपनी स्किन के ऊपर सीरम का यूज करना चाहिए सीरम ही एक ऐसी चीज है जो कि आपकी स्किन में बहुत जल्दी से पेनिट्रेट होता है क्रीम के मुकाबले में और आपको बहुत ही अच्छे वाला रिजल्ट देता है ये ग्रीन टी का बहुत ही ईजी आप घर में सिरप बना सकते हैं बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है हम ऑयल का यूज़ नहीं कर सकते तो ऐसा कुछ भी नहीं है ये मिथ है अगर आपकी स्किन ऑयली है तब भी आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं बट उसकी क्वांटिटी आप थोड़ा सा कम कर दीजिए बस यही है कि आप यहाँ पे अगर ड्राई स्किन वाले आधा चम्मच यूज़ करें तो आप जो है ना वन से टू ड्रॉप्स का ही यूज़ कीजिए बट अपनी स्किन के ऊपर ऑयल का आपको ज़रूर यूज़ करना है ये नहीं है कि आपकी स्किन ऑयली है तो आपको बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं करना है ये बिल्कुल मिथ है ऑयली स्किन वाले भी ऑयल का यूज कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दीजिए तो ये सीरम बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप अभी तक सीरम का यूज नहीं कर रहे हैं तो सीरम का यूज करना ये आई रोलर, दोस्तों, क्योंकि हमारी आंखों के आसपास रिंकल्स डार्क स्पॉट्स और साथ 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और मुझे बहुत ज्यादा इसके ऊपर कमेंट्स आते हैं तो ये आपकी पफीनेस को आपके डार्क साथ आपके रिंकल्स को बहुत ही दिन वीक में आप इसका देखोगे इस आई रोलर को आप यूज कर सकते हैं ये तीनों ही चीजें आप घर में बना सकते हैं सिर्फ दो चीजों से बहुत इजी पीजी है इसको जरूर आप ट्राई कीजिएगा ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा तो चलिए जल्दी से दिखाते कि इन तीनों चीजों को किस तरह से बनाना है किस तरह से अप्लाई करना है तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो आपको चाहिए ग्रीन टी ग्रीन टी आजकल सभी के घर में ईजिली अवेलेबल हो जाता है ग्रीन टी आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिया है वही आपको लेना है जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप ग्रीन टी का यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने दो बैग ग्रीन टी के लिए हैं तो दोस्तों जो इसमें दूसरी चीज़ में ऐड करने वाली हूँ वो आपकी स्किन को बहुत ही अमेजिंग कर देगी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारी स्किन के ऊपर चमक आए एक बहुत ज़्यादा ग्लो दिखे तो इसको यूज़ करने से हंड्रेड परसेंट आपको ग्लो दिखेगा इसके क्या क्या फ़ायदे हैं यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिस्ट आपके साथ शेयर कर दी है तो ये है मेथी दाना मेथी दाने को आप मिक्सी में चला उसका पाउडर बना के रख लीजिए मेथी दाना ना केवल अपनी स्किन के लिए बल्कि बालों के लिए भी अमेजिंग काम करता है तो आधा चम्मच आपको लेना है मेथी दाने का तो दोस्तों इसके बाद आप इसमें ऐड कीजिए दो टेबल स्पून ऑलिव ऑयल की अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों तीनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और जो मैं आपके साथ आज चीज़ें शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ईजिली कम समय में कम चीज़ों से आप घर पर बना सकते हैं और पा सकते हैं अमेजिंग रिजल्ट एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अभी आपको क्या करना है गैस के ऊपर पहले आपको थोड़ा सा गैस का फ्लेम मीडियम रख लेना है एक बॉइल कर देना है जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तब आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके इसको पाँच मिनट अच्छी तरह से पका लेना है ताकि जितनी भी गुडनेस है हमारी ग्रीन टी की मेथी दाने की वो सारी की सारी हमारी ऑयल में आ जाए दोस्तों ये ऑयल अमेजिंग काम करता है अगर आप इसको इसी तरह से भी यूज़ कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा है और ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छी तरह से काम करेगा इसको आप बालों के ऊपर स्किन के ऊपर दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं तो है ना अमेजिंग चीज़ घर में पड़ी चीज़ों से ही आप बहुत ही अच्छी स्किन और बाल पा सकते हैं मार्केट वाली चीज़ों को आप भूल जाइए घर वाली चीज़ों को यूज करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाएंगे तो चलिए दोस्तों अभी मैं दिखाती हूँ कि आगे इससे आपको किस तरह से सिरम आई रोलर और साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छे वाला पैक किस तरह से बनाना है सभी चीज़ों को देखिए मैंने मिक्स कर लिया है पाँच मिनट के बाद जो आपका ऑयल है बिल्कुल तैयार हो जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है अभी मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने दीजिए तो दोस्तों यहाँ पे मैं इन बॉटल का यूज कर रही हूं जो कि आपको ईजिली मार्केट से अवेलेबल हो जाएंगी ये एक आई रोलर बॉटल होती है इसमें अगर हम सीरम का यूज करके अपनी आंखों के आसपास यूज करते हैं तो इसमें जो रोलर लगा होता है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है जेंटल होता है जो कि हमारी आंखों के आसपास जब इससे आप अपनी आंखों के आसपास सीरम का यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से मसाज भी हो जाएगी तो टू इन वन का ये काम करता है क्योंकि आंखों के आसपास हमें मसाज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन जो है ना अच्छी रहे आंखों के आसपास रिंकल्स ना रहे अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ड्रॉपर की बॉटल का या फिर किसी भी खाली कंटेनर का भी यूज कर सकते हैं तो अभी आपको क्या करना है जब आपका ऑयल ठंडा हो जाए तो आपको इसको छान लेना है स्टेनर की हेल्प से जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ तो दोस्तों जो भी आपके पास बॉटल है आप इसमें उसको स्टोर करके रख सकते हैं ये सीरम ये क्रीम ये फेस मास्क आपका महीनों तक ख़राब नहीं होगा आप इसको महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं तो अभी आपको क्या करना है इसमें दूसरी चीज़ देखिए ऐड करनी है वो है अलसी का तेल यानी कि फ्लैक्स सीड का ऑयल फ्लैक्स सीड एक ऐसी चीज़ है जो कि आँख के चेहरे की को बिल्कुल खत्म कर देती है एकदम से बॉटॉक्स का काम देती है तो अलसी का तेल आपको वन टेबल स्पून इसमें ऐड करना है अच्छी तरह से मिक्स करना है अगर आपके पास अलसी का तेल ना हो तो आप इसमें एलमंड ऑयल ऐड कर लीजिए इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है वन टेबल स्पून एलोवेरा जेल का अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता है आप इसमें कोकम्बर जेल भी ऐड कर सकते हैं सारे ही ऑप्शन मैं इस वीडियो में दे रही हूँ क्योंकि बाद में बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आप देखेंगे जो सीरम का कलर है बिल्कुल चेंज हो जाएगा दोस्तों तो देखिए दोस्तों ये आपका पावरफुल सीरम बनकर तैयार हो चुका है जिसको कि आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं ड्रॉपर वाली बॉटल है उसमें निकाल लीजिए आई रोलर वाली बॉटल है उसमें निकाल लीजिए अभी जो बाकी का सीरम बचा है उसका हम पैक बनाएंगे जिसको कि आप पंद्रह दिन फ्रिज में स्टोर करके कर रख सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है राइस फ्लार राइस फ्लार सबको पता है कितना ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए दोनों चीजों को मिक्स कीजिए देखिए बहुत ही अच्छे वाला पैक बन गया है आप इसको इसी तरह भी यूज कर सकते हैं पर अगर आप चाहते हैं अच्छा रिजल्ट तो आप क्या कर सकते हैं जिसमें हमने ऑयल को बॉईल किया था जो हमारे पास मेथी दाना और ग्रीन टी का मिक्सर बचा है वो आप इसमें आधा चम्मच डाल दीजिए जो पैक बचेगा उसको फ्रिज में स्टोर कर लीजिए फिर से यूज़ कर सकते हैं इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली मुल्तानी मिट्टी जो कि बाइंडिंग का, का काम करेगी इसके साथ साथ अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे वाला ये पैक बन जाएगा ड्राई स्किन के लिए नॉर्मल स्किन के लिए सब इसको यूज़ कर सकते हैं इसको अपने पूरे फेस के ऊपर एक आपको अच्छी लेयर लगा लेनी है दोस्तों और इससे आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स भी चले जाएंगे इसको यूज करने से इमीजिएटली आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आएगा जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूं इसको लगाना थोड़ा सा टफ है बट आपको अच्छी तरह से अपने फेस के ऊपर अच्छे से लगाना है पंद्रह से बीस मिनट छोड़ देना है ये ड्राई बिल्कुल नहीं होगा इसके बाद आपको पांच मिनट मसाज करनी है फेस को वॉश करने के बाद आप सीरम का यूज कीजिए सीरम के बाद मसाज कीजिए और आई रोलर का यूज कीजिए